स्वागत है। जैसे कि इस थंबनेल को सीएससी सातवीं आर्थिक जनगणना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, क्या बिग अपडेट है तो आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं आज सीएससी सातवीं आर्थिक जनगणना के बारे में बताऊंगा कि क्या अपडेट न्यू अपडेट आया है इसके बारे में, और दूसरा चीज इलेक्शन सर्विस लाइव, तो आप सीएससी में जो इलेक्शन सर्विस लाइव हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। तो आज दो चीजों के बारे में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो कि आप देखेंगे अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से। तो चलिए जैसे कि मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे जैसे ही आएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉग इन करेंगे अपने यूजर आई डी एंड पासवर्ड के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे यूजर आई डी डालने के बाद पासवर्ड डाल देंगे। जैसे ही लॉगिन होगा आप देख रहे हैं जैसे कि यहां पे लॉगिन हो रहा है। आप ये थोड़ा सा नेट ये लॉगिन होने के बाद क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको पता पहले से चल गया है कि आपको जाना कहाँ से, तो आप पहले से जानते हैं कि कहाँ से हम जाएंगे कि आसानी से सीएससी सातवीं जनगणना के पोर्टल पे चले जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आधार लिख के आधार बायोमेट्रिक पे जैसे ही क्लिक किए आपको इस तरह से फेस खुल जाता है जो कि पेज खुल जाता है। आपको आसानी से यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज जैसे ही आता है हम यहाँ पे लॉगिन भी डिजिटल सेवा पोर्टल जैसे ही करेंगे डिजिटल सेवा कनेक्ट जैसे ही लॉगिन करेंगे आप देख रहे हैं इस तरह से हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले जो कि देख रहे हैं आप यहाँ पे चार ऑप्शन से दिखा रहा है, पांच ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन और लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाउनलोड FAQ। तो आप इन लोगों के जैसे कि लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आप जाते थे लेकिन पहले आप देखते थे यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन बंद हो गया था यानी कि क्लोज कर दिया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दोबारा आ चुका है। जो भी गलती हो आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जो भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले। और बायोमेट्रिक आउटफिल जो आता था आपको ये प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है जिसके कारण से आपको ये सीएफपी में ये आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन हटा दिया गया था। तो आप यहां पे जान गए कि एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन आ गया सीएफपी आर्थिक जनगणना में, जैसे कि नहीं हो पाता था बहुत लोगों ने बहुत बेली का गलती होने के कारण से ये कारण थे। लेकिन जिन्होंने की सीएफपी आईडी बंद है, किस रीजन से बंद है, इसीलिए बंद किया गया था जैसे कि सीएफपी आईडी सातवीं आर्थिक जनगणना में ये प्रोफाइल में आ जाएगा प्रोफाइल एडिट करने का, इसीलिए बंद कर दिया गया था। तो चलिए मैं आज दूसरी चीज के बारे में आपने सुना यहाँ पे सीएफपी इलेक्शन सर्विस लाइव, तो आप देख लीजिए सीएफपी के माध्यम से इलेक्शन सर्विस यानी कि वोटर आईडी का काम चालू हो चुका है जिसे कि आप लोकल प्रिंट डुप्लीकेट प्रिंट कर सकते हैं आसानी से अपने सीएफपी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो जैसे कि हम चलेंगे यहाँ पे डिजीमेल पे आएंगे तो आप देख रहे हैं लेकिन अभी तक अभी डिजिटल चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा ले ताकि आप लोग तक ऐसी वीडियो बनाए तो हर दिन पहले आप ही के पास पहुंचे। तो आप देख रहे हैं जैसे ही डिजीमेल पे आएंगे, डिजीमेल पे आने के बाद आप यहाँ पे सीएफपी जैसे 23 तारीख के न्यूज़लेटर आया है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आएंगे यहाँ स्क्रॉल कर देंगे, स्क्रॉल जैसे ही करेंगे आप देख रहे हैं स्क्रॉल करते ये देख रहे हैं जैसे यहाँ मोर आप यहाँ पे देख रहे हैं मेंटेनेंस फॉर ऑल बीएलई फैन रजिस्टर डिजिटल सेवा, तो आप डीजीपी ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे मोर पे करेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं डुप्लीकेट इलेक्शन कार्ड प्रिंटिंग थर्ड सीएससी स्टार्ट इन झारखंड, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि ओनली के लिए स्टार्ट हुआ है और स्टेट के बाद अभी नहीं हुआ है। और स्टेट में जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को आसानी से हम इसके अभी डिजिटल सेवा के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन झारखंड में आप डुप्लीकेट कार्ड प्रिंट झारखंड के माध्यम से झारखंड में स्टेट के जितने भी बीएलई होंगे आसानी से कर सकते हैं। तो आप इलेक्शन के बारे में जान गए कि इलेक्शन का कार्ड लाइव हो चुका है जिसे कि सभी स्टेटों में जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग भी ये काम करें ताकि आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉग इन रखें और आपको भी ये जल्द काम मिल जाए जिससे कि आपको इसे आधार यानी कि कहे आधार तो काम अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन इलेक्शन के बाद आधार का भी काम चालू हो जाएगा।
दूसरा नंबर, यहाँ पे निर्वाचन आयोग का काम चालू हो चुका है जिससे कि आप वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट वोटर आईडी आप प्रिंट आसानी से अपने सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं और उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप ये चीजों के बारे में देख लिया, तो थैंक यू दोस्त। लेकिन अभी तक अभी डिजिटल चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और दूसरा चीज यहाँ पे बेल आइकन घंटी भी दबा लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।